देश की पूर्व कांग्रेसी सरकार द्वारा चलाई जा रही निर्माण श्रमिकों की योजनाएं भले ही बंद हो चुकी हैं, लेकिन इंदौर नगर निगम के मुख्य द्वार पर आज भी पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ के चित्र वाला यह होर्डिंग योजनाओं की जानकारी दे रहा है। प्रदेश में सरकार बदल चुकी है, लेकिन नगर निगम के मुख्य द्वार पर लगे इस होर्डिंग को बदलने की जहमत नगर निगम ने नहीं उठाई। कमलनाथ सरकार में पूर्व मंत्री रहे उमंग सिंगार का ट्वीट इन दिनों चर्चा में बना हुआ है। दरअसल उन्होंने ट्वीट के माध्यम से अपनी ही सरकार पर निशाना साधा और केंद्रीय नेतृत्व को प्रदेश की स्थिति पर फोकस करने की नसीहत दी है। साथ ही उमंग सिंगार का कहना है कि वाकई में जो परिस्थितियां बनी हुई हैं उसको देखते हुए मध्य प्रदेश और राजस्थान के अंदर केंद्रीय नेतृत्व को फोकस जरूर करना चाहिए। इसके अलावा सिंगार ने यह भी कहा है कि आज कुछ लोग खुद नेता बनना चाह रहे हैं, जबकि पार्टी उन्हें नेता बनाती है। इसके अलावा उन्होंने कांग्रेस उपाध्यक्ष संजय मसानी को लेकर किए गए ट्वीट पर भी अपनी प्रतिक्रिया दी और कहा कि एक समय संजय मसीना ने कहा था कि मैं धर्म और अधर्म की लड़ाई के चलते कांग्रेस के साथ धर्म की लड़ाई में हूँ, इसलिए वे अपने जीजा मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान को भी धर्म के बारे में कुछ ज्ञान दें। विश्व के सबसे बड़े शिवलिंग के लिए पहचाने जाने वाले भोजपुर के शिव मंदिर से जुड़ा एक वीडियो इन दिनों दुनिया भर में लाखों लोगों ने सोशल मीडिया पर पसंद किया है। दरअसल यह वीडियो शिव तांडव स्त्रोत पाठ का था, जिसमें एक बाबा बिना किसी संगीत के सस्वर ऐसा पाठ करते नजर आ रहे थे कि जिसने भी यह देखा और सुना वो बिना पसंद किए नहीं रहा। फिल्म अभिनेता अनुपम खेर ने तो इस वीडियो को अपने इंस्टाग्राम पर शेयर करते हुए भक्ति गीत भारत में कहीं प्राचीन मंदिरों में से एक इस भक्त के शक्तिशाली और भावपूर्ण गायन को सुनकर मेरे रोंगटे खड़े हो गए, कमाल का गाया, यह लिखा है। अनुपम खेर सहित अन्य कई लोगों ने जब यह वीडियो सोशल मीडिया पर शेयर किया तो इसे पसंद करने वालों की संख्या देश विदेश में लगातार बढ़कर लाखों में देखने पहुंची। कांग्रेस विधायक और मध्य प्रदेश युवा कांग्रेस अध्यक्ष कुणाल चौधरी ने मध्य प्रदेश बीजेपी पर बड़ा हमला बोला है। कुणाल चौधरी ने बीजेपी को चुनौती देते हुए कहा कि जिस प्रकार से धनबल और बहुबल के माध्यम से जनादेश को खरीदते हुए बीजेपी ने मध्य प्रदेश की विधायिका को कलंकित करने का काम किया है। साथ ही कुणाल चौधरी ने कांग्रेस छोड़ बीजेपी में शामिल हुए विधायकों पर भी निशाना साधा। कुणाल ने कहा कि जनादेश को बेचने वालों को जनता माफ नहीं करेगी और इसका जवाब जरूर देगी। कोरोना संक्रमण में प्रशासन के निर्देश के बाद 5 जुलाई रविवार को दुकान खोलने वाले व्यापारियों द्वारा दिए गए आवेदन और व्यापारियों ने मामले से हाथ खींचने पर थाना प्रभारी ने राहुल से आवेदन लेकर पत्रकार नूतन गिरी पर झूठा प्रकरण दर्ज किया था। मामले में थाना प्रभारी अपनी गुत्थी उलझते देख कुछ पत्रकारों का सहारा लेकर उच्च अधिकारियों और जनता को गुमराह करने के लिए व्यापारियों से रैली निकलवाई ताकि मामले को दबाया जा सके। जिन व्यापारियों द्वारा पुलिस के समर्थन में रैली निकाली गई, उनमें सभी भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता और समर्थक थे।